हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये है अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और ये मंडे का व्लॉग है। हाँ, ये मंडे का व्लॉग है। एक्चुअली याद नहीं आ रहा था मुझे, तो बस सुबह सुबह हो रही है लंच और टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने ना ये मिर्चियाँ काट के रख दी थी, हरी मिर्च। मैं इसे मतलब छौंक देती हूँ, छौंक के बनाती हूँ। हरी मिर्च की रेसिपी है, साइड डिश की तरह आप परांठों के साथ खा सकते हैं, सब्जी दाल उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और मिठे की मिर्च या दही वाली मिर्च बोलते हैं उसको। बस सिंपली जैसे मैंने तेल में सीधे मिर्च छौंकी ना, ऐसे आप तेल में सीधे मिर्च छौंक दीजिए, उसको तुरंत ढक दीजिए एकदम स्लो आँच पे, क्योंकि ना बहुत तेज़ इसका वो झाग सी उड़ती है मिर्च की और बहुत तेज़ मतलब लगती है। तो देखिए मैंने ढक दिया छौंक, थोड़ी देर बाद खोला, थोड़ा सेटल हो गया था, उसको चला देंगे ऐसे 5-7 मिनट, चला खोल देंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे लगातार 5-7 मिनट, 2-2 मिनट के बाद तो थोड़ा सा इस पर क्रस्ट आ जाएगा। और एक बनाते हैं टिफ़िन के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तेल में मैंने डाला है आलू, और आलू थोड़े से हल्के फ्राई कर लेंगे पहले, थोड़े से 40% डन हो जाए। देखिए दूसरी गैस से मेरी मिर्च हो गई है, थोड़ा थोड़ा क्रस्ट आ गया है इसके ऊपर। तो इसमें डालूंगी मैं धनिया, धनिया अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है। और ज़रा सा लाल मिर्च डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, थोड़ी सी ये ना मिर्च तीखी नहीं है, तो मैंने ज़रा सी लाल मिर्च वैसे डाल दी है तीखेपन के लिए, थोड़ी सी हल्दी। अब इसे अच्छे से चलाएँगे। मैं मतलब बेसिकली ना इसमें ये धनिया पाउडर जाता है और अच्छी क्वांटिटी में आप डालेंगे, इसका मसाला बड़ा अच्छा तैयार होता है लास्ट में। और इसमें डाल दिया मैंने 1 कप फैट के पतला किया हुआ पानी मिलाया हुआ दही, छाछ बोल सकते हैं आप इसको, आपके पास छाछ हो, मट्ठा हो, कुछ भी आप डाल दीजिए, दही हो तो उसको थोड़ा सा विस्क करके उसमें पानी मिला के लिक्विड करके डाल दीजिए। और अब इसके बाद हम गैस को तेज़ कर देंगे। देखिए हमारा आलू हो गया है, थोड़ा थोड़ा इस पर ना ब्राउन स्पॉट्स आने लग गए हैं। इस स्टेज पर हम डालेंगे शिमला मिर्च, हमारे आलू ना 50% डन हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। आलू जब आधे डन हो गए शिमला मिर्च डालेंगे, तो जब तक सब्जी तैयार होगी ना तो शिमला मिर्च बिल्कुल गलेगी नहीं। बस शिमला मिर्च को थोड़ा सा चला के डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और कुछ नहीं जाएगा इसमें। ये सूखी सब्ज़ी बनी टिफ़िन के लिए, तो इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस 3 चीज़ मसाला डाल के और हम इसे अच्छे से चलाएँगे, चला के फिर ढक देंगे, ढक के इसको भुनेंगे। ये देखिए नमक डाला मैंने, और इसको बस मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर इसको थोड़े ढक के फिर खोल के ढक के खोल के इस तरह से 2-4 मिनट भुनेंगे। और अपने आप ही मतलब आइडिया, आलू को चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आलू डन हो गए तो सब्ज़ी रेडी हो जाती है, बस इतना ही होता है इसका। ये देखिए पानी कितना कम हो गया, जो हमने दही छाछ वाला पानी डाला था। इसे खुला पकाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मेरे आलू लगभग डन है, थोड़ी सी कसर है, ढक देते हैं अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। और ये पीछे वाली वो हो गई मेरी मिर्ची। अब दूसरी तरफ ना ये मैं दाल बना रही थी, तो दाल बना के छौंकने का टाइम नहीं था मुझे, तो टाइम लेट हो रहा था। अभी पराठे रोटी भी बनानी थी मुझे लंच के लिए और टिफ़िन के लिए, तो बस देखिए मेरी मिर्ची हो गई है। इसके बाद बस मैंने दाल को टमाटर में डाल के मसाला तैयार करके दाल देखिए धो के रखी है, कि दाल इसी में डालकर सीटी लगाई थी, मेरी दाल रेडी हो गई थी। ये क्विक तरीका है फ्राइड दाल बनाने का। और ये देखिए मिर्च का फाइनल लुक ऐसा आया था, मैं ना आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये हमारी सब्ज़ी बनी थी, मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को। सुबह की वीडियो ना बहुत लंबी नहीं हो पाई थी रिकॉर्ड, कैमरा ऑफ हो गया था अपने आप ही। और ये मैंने स्कूल से आने और बनाया था स्नैक्स, मुरमुरे का भेलपुरी टाइप का, मतलब भेलपुरी थी घर वाली, बिल्कुल सिंपल सादी सी। और उसके बाद फिर बस थोड़े बच्चों को पढ़ाया वढ़ाया। और ये देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉर है ना, ये ईजिली एक्सेसिबल नहीं होती है, तो मैं इस पर वही सामान रखती हूँ जो मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम, तो बस मैं वही सब देख रख रही हूँ। और ये मिठाई के डिब्बे ना जो भी मेरे पास रहते हैं सूखी मिठाइयों के डिब्बे होते हैं, वो मैं ना स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत काम आते हैं, मतलब सफ़र में कुछ देना हो, ऐसा पैक करना हो जो मैंने बनाया हो वो देने के लिए, या फिर बहुत बार ना बच्चों के क्राफ्ट में भी ये काम आते हैं। तो बस ये मैं सोयाबीन बड़ी उतारी थी, वही मैं इस पर वापस एडजस्ट करी थी, वो सही से लग नहीं रही थी, पीछे का डब्बा डिस्टर्ब हो गए थे, तो बस मैं चढ़ गई ऐसे बहाने, इस पर सारा थोड़ा सा देख भी लिया मैंने क्या क्या है क्या नहीं है। और चलिए बनाते हैं आज मल्टीपर्पज़ सब्ज़ी, मतलब एक ग्रेवी का यूज़ हम 2 सब्जियों में करेंगे, 2 तरह के सब्जियों में। तो पहले ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये साइड में ना एक केला बॉईल करके रखा हुआ है, ये काला हो गया बॉईल करने के बाद। लहसुन टमाटर और थोड़ा सा प्याज डाल के उसके हम उसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे पहले। अब ये पेस्ट तैयार करके हम एक साइड को रख लेंगे, फिर करेंगे अपना काम शुरू कढ़ाई पर, मतलब ग्रेवी बनाने के लिए। देखिए मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है,
पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। तो ये जो केले थे ना उनको मैंने मैश कर लिया है। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। केले के कोफ्ते में बेसन बहुत कम जाता है, जैसे बाकी कोफ्ते होते हैं ना लौकी वौकी, उनमें बेसन बहुत लगता है क्योंकि वो बहुत पानी छोड़ते हैं, मतलब सब्जियाँ जो होती हैं, लेकिन इसमें बेसन ना बहुत कम से बाइंडिंग बड़ी अच्छी आती है, थोड़ा सा बेसन डाल दिया जाती है। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, आप अगर कम लेंगे तो भी चलेगा, मैंने 3 चम्मच लिया है। फिर डालेंगे इसमें नमक और अपने नॉर्मल रेगुलर जो मसाले होते हैं, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, आमचूर डाल सकते हैं आप, तो बस ये सब मसाले डाल के और फिर हम इसको बाइंड कर लेंगे, इसका एक अच्छा सा डोसा बना लेंगे हाथों से। इसको बनाने में ना बहुत, जैसे कि उसकी लौकी कोफ्ते में ना बहुत दिक्कत होती है, वो जल्दी बनते ही नहीं, पानी पानी छोड़ते रहते हैं, पानी पानी छोड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आराम से बन जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा बेसन को बस सब में बराबर से ये मिला के, ये देखिए तैयार है। हाथों पे लगा ये तेल, मैंने इसको चिकना नहीं किया क्योंकि इसे कोफ्ते तुरंत ही बनाने थे, तो बस कोफ्ते चिकना कर लेते हैं, उसे क्या करने की ज़रूरत है। तो बस आप जैसे चाहें गोल, लंबे, चपटे, देखिए जिस शेप पे चाहें उस शेप पे बना सकते हैं, मोटे पतले, मेरे कोफ्ते बन गए। अब इसे फ्राई करेंगे, पहले हम ना मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो कोफ्ते ऊपर से तो तुरंत ही हो जाएंगे लेकिन अंदर से ना पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, 3 से 4 मिनट तलने के बाद हमें मतलब ये आइडिया लग जाएगा कोफ्ते अंदर से हो गया। फिर हम थोड़ी सी आँच तेज़ करके उसके ऊपर से उसको ब्राउन कलर दे लेंगे। देखिए मेरे कोफ्ते हो गए बिल्कुल, अब मैंने गैस थोड़ी तेज़ कर दी है, इसको हम ब्राउन कलर आने तक सारा सेक लेंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे कोफ्ते, मतलब 2 बैच जितने भी आपने बनाए हों, मेरे 2 बैच के हैं, 2 में निकल जाएंगे, आपके 3 के हों तो 3 बैच में निकल, जितने भी आपके हों इसी तरह पहले कम फ्लेम पर फिर तेज़ फ्लेम पर आप अपने कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। उधर जो हमने ग्रेवी बनाई थी टमाटर प्याज लहसुन वाली, देखिए उसमें मैं मसाला मिला रही हूँ, धनिया, लाल हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी मैं कलर के लिए, और नमक। बस इतने मसाले डाल के हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। एक तरफ हमारा ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ साथ के साथ मैं सोयाबीन की बड़ियाँ भी भून रही हूँ। मैंने इन्हें उबाल लिया था जब चाय उतारी थी ना ऊपर से, दिखाया था आपको उसी समय, उबाल कर निचोड़ कर रख लिया था। तो मैं ना एक ही ग्रेवी में बनाऊँगी आलू के केले के कोफ्ते और सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। तो चलिए पहले ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले तेल गरम करेंगे, उसमें लगाएंगे प्याज का छौंक। प्याज आप अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, आपको कम पसंद हो तो कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे प्याज से ना एक अच्छी सी ग्रेवी आती है, ग्रेवी थोड़ी थिकनेस मिलती है। प्याज का छौंक लगा के इसको हम पिंक कलर होने तक भून लेंगे, मतलब भुनी भुनी से देखने लग जाएगी वो। फिर हमने जो मसाला तैयार किया था ना वो हम इसमें डाल देंगे, जो मसाला पीसा था उसमें जो सूखे मसाले मिलाए थे वो पूरा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट को हम खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे देरी तक चला चला के भुनेंगे। अब मतलब जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी का। तो बस अब मेन काम है इस ग्रेवी को हमें भुनना। इस ग्रेवी को भुनने में अच्छे से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर तो हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, मुझे तो लग गए थे क्योंकि मैं तेज़ करके नहीं भुनती हूँ, मैं थोड़ा कम करके भुनती हूँ, तो उससे ना ग्रेवी बड़ी अच्छी आती है। देखिए मल्टीटास्किंग, एक साथ कई चूल्हों पर काम चल रहा है। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद मेरी ग्रेवी इतनी थिक हो गई है और ये तेल भी छोड़ ही जाता है उससे, ऑलमोस्ट लगभग ये हो चुकी है। और फिर भी थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा और चला के भुनते हुए ऐसा लगता है कि हाँ हुई। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, दही मेरे पास था नहीं, घर वाला ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही बचा था, तो मैंने डाली आधी कटोरी दही होगी। आप चाहें तो इसमें 1 कटोरी दही भी डाल सकते हैं, खट्टा हो दही तो थोड़ी कम डालिएगा और अगर दही ठीक ठाक हो तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ग्रेवी अच्छी होती है, ठीक होती है। देखिए अब कितना अच्छा तेल छूट रहा है मसालों में से। तो बस अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी डाल के इसको 1 उबाल आने देंगे। जब 1 उबाल आ जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अपने कोफ्ते, क्योंकि कोफ्तों में जो तरी है ना वो जब तक अंदर तक ना उसमें समा जाए, जब तक अंदर तक गीले ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। कोफ्ते डाल के और फिर साथ के साथ हम सोयाबीन की बड़ियाँ भी डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे अच्छे से और इसे खूब मतलब टाइम लगाकर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाल दिलाएंगे, जिससे मतलब जो रसा है वो उसके अंदर बड़ियों में भी और कोफ्ते में भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तब तक ये थोड़े मोड़े बर्तन थे शाम के चाय के और उसके सारे मैं धो लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते करते बर्तन हो ही जाते हैं, देखिए पूरा एक अच्छा खासा लॉट हो गया है बर्तनों का। तो सुबह काम वाली तक आए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये पूरा सिंक भर जाता है, तो मैं धो लेती हूँ। और फिर इसके बाद ना बहुत प्लान तो था हमारा रोटी बनाने का, लेकिन फिर सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, मतलब इतनी अच्छी रिच ग्रेवी वाली और कोफ्ते वाली,
मतलब जो बढ़िया सब्जी ना जो चावल के साथ खाए थे, तो फिर सबका ये हुआ चलो भाई चावल बनाएंगे, तो फिर बना चावल और हम लोगों ने सभी चावल इन्जॉय किया। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक बाय बाय।